नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी कीड़ा के अंदर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को मॉडल डिज़ाइन करने के बाद क्या करना चाहिए। मॉडल डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल डिज़ाइन किया था। यहाँ पर मैंने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स को आप लोगों को बताया था, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए मैंने 3 क्लासेस जो हैं वो बनाई थी, क्योंकि ASP.NET कोर में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को आप लोगों को मिडल टेबल के ज़रिए ही हैंडल करना होता है, वन टू मैनी करके। अब हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों को इन को कैसे हैंडल करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्लास बनानी होगी। ये कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है वो कम्युनिकेशन करवाएगी आप लोगों की फिजिकल डाटाबेस के साथ और कोड के साथ। मतलब कहने का मतलब होता है, ये एक ऐसी क्लास है जो मिडल लेयर का काम करेगी, किसके बीच में, बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में। ये जो है आप लोगों को एक क्लास बनानी है। इस क्लास का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इस क्लास को आप लोगों को हमेशा और हमेशा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से ही इनहेरिट करना पड़ेगा, जब तक कि आप लोग आइडेंटिटी जो है वो काम में नहीं लेते हैं तब तक। तो मैंने इसको जो है DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट कर लिया है। DB कॉन्टेक्स्ट क्लास आप लोग देख पा रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये पैकेज नहीं मिले तो आप लोग यहाँ से न्यू गेट पैकेज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करें और मैनेज न्यू गेट पैकेज। ये पैकेज नेम है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। जब आप लोग DB कॉन्टेक्स्ट क्लास से अपनी क्लास यानी कि डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर लें, तो आप लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएं। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास का नाम ही होता है आप लोगों को, जैसा कि पता है। जैसे कि डाटा कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम भी डाटा कॉन्टेक्स्ट होगा। इसके अंदर एक सिंगल पैरामीटर आप लोग पास करें, डाटा कॉन्टेक्स्ट, सॉरी DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ये डाटा कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों को, सो इसे यहाँ पर रिमूव करें, मुझसे गलती हुई है। तो यहाँ से आप लोग लिखें यहाँ पर DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और उसमें एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो आप लोग पास करें। DB कॉन्टेक्स्ट जो है, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, उसमें अपना जो डाटा कॉन्टेक्स्ट जो क्लास नेम है वो आप लोग इस ब्रैकेट्स के अंदर पास करें, तो डाटा कॉन्टेक्स्ट अपना नाम है। और इसकी एक बेस क्लास को कॉल कर लें, जिसमें आप लोग ये वेरिएबल नेम यानी कि ऑप्शंस जो है आप लोग इंसर्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप लोगों को अपनी टेबल्स के जो नेम है वो इंसर्ट करने होते हैं, वो भी DB सेट के साथ। और या हम लोग कहें एक पब्लिक प्रॉपर्टी आप लोगों को बनानी होती है। इस पब्लिक प्रॉपर्टी के ज़रिए आप लोग जो हैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों को क्या करना होगा, अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम करना होगा और कौन सी टेबल के साथ कम्युनिकेट करना है। उस पब्लिक प्रॉपर्टी को अभी हम लोग यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन कर रहे हैं। जैसे कि पब्लिक DB सेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स नाम से आप लोगों की टेबल बनेगी बाय डिफॉल्ट, डाटाबेस टेबल के अंदर बनेगी। और यहाँ पर DB सेट के अंदर आप लोग ने कौन सी टेबल डाली है, स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं मॉडल्स के अंदर स्टूडेंट्स डाल देता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे इतनी बात। उसी प्रकार आप लोगों को कोर्स भी डालनी होगी। यहाँ पर मैं कोर्सेज लिख देता हूँ, और स्टूडेंट जो यहाँ पर क्लास नेम है उसकी जगह मैं कोर्स लिख देता हूँ। सॉरी, कोर्सेस कोई भी जो है मॉडल नहीं है, सिर्फ कोर्स है। तो यहाँ पर मैं एस जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आप लोगों के दोनों मॉडल ऐड करने होंगे, ताकि आप लोग दोनों, कॉन्टेक्स्ट क्या काम करवाएगा, इन दोनों की पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की के नेम से ही टेबल बना देगा, और टेबल जो होंगी उसी से आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए। अब आप लोगों को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो तैयार करनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों बनाई जाती है? कनेक्शन स्ट्रिंग का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि आप लोगों के बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच में जो कनेक्शन यानी कि जो पुल तैयार करता है, जो ब्रिज बनाता है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। इसी में आप लोगों को बनाना बताना होता है कि आप लोगों का सर्वर नेम क्या होता है, डाटाबेस का नाम क्या होता है, और सिक्योरिटी पर्पस से आप लोगों के नेम क्या होते हैं। तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा कनेक्शंस आप लोग बना सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने एक ही कनेक्शन जो है वो करके बताऊंगा। इस कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहली जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका नाम जो है वो है डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम है वो है डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। इसमें इस डिफ़ॉल्ट कनेक्शन के अंदर आप लोगों का जो सर्वर का नाम है वो है लोकल DB डबल जो है वो बैकस्लैश है, और उसमें मैंने लिखा है सर्वर का नाम लोकल DB MS SQL लोकल DB। डाटाबेस का जो नाम है वो है GST यानी कि गेटिंग स्टार्टेड, और ट्रस्टेड कनेक्शन का मतलब है ट्रू। ये डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रू करना चाहते हैं,
नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है वो है मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट्स इक्वल्स टू ट्रू। इसका मतलब ये है कि आप लोग मल्टीपल जो क्वेरीज हैं वो रन इसमें कर पा रहे हैं। डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, अगर आप लोग इसे ट्रू कर देते हैं तो ये बैच में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट जो है ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अगर आप लोग इसे फॉल्स करेंगे तो ये सिंक्रोनसली जो है बैच में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो आप लोग इसे ट्रू कर दें ताकि आप लोग मल्टीपल ऑपरेशन एक सिंगल कनेक्शन के साथ जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। अब आप लोगों को क्या करना है, स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को इंजेक्ट करना है उस कनेक्शन स्ट्रिंग को। कैसे इंजेक्ट करेंगे, सर्विसेज का सहारा लेंगे कॉन्फिगर सर्विस मेथड के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है सर्विसेज डॉट एड डी बी कॉन्टेक्स्ट। आप लोगों ने सबसे पहले अपने कॉन्टेक्स्ट को ऐड किया तो आप लोगों ने लिखा डॉट एड डी बी कॉन्टेक्स्ट, डॉट कॉन्टेक्स्ट ऐड कर दिया। ऑप्शंस ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, हम लोग जो क्वेरी लिख रहे हैं, हम लोगों ने जो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है वो एसक्यूएल सर्वर की बनाई है, तो यहाँ पर लिखना है यूज एसक्यूएल सर्वर। यूज एसक्यूएल सर्वर जो आप लोगों को मिलेगा वो कौन से पैकेज में मिलेगा, अगर आप लोगों के पास डाउनलोड नहीं है तो आप लोग न्यूगेट पैकेज मैनेजर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप लोगों के लिए मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर लिखना है कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। गेट कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी आप लोगों को, ऐप सेटिंग्स के अंदर जो मैंने अभी नाम लिखा था कनेक्शन स्ट्रिंग का वो था डिफ़ॉल्ट कनेक्शन। तो इस कनेक्शन गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आप लोगों को डबल कोटेशन के अंदर उस नाम को पास कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल से उस कनेक्शन स्ट्रिंग को पिक कर लेगी। कौन से कहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल से इसका जो नाम है ये डिफॉल्ट कनेक्शन, आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, वो यहाँ से पिक कर लेगी। तो आप लोगों ने जो सर्विस मेथड था उसके सॉरी कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड में जो सर्विस वेरिएबल था उसके ज़रिए आप लोगों ने ये चीज़ स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल के अंदर इंजेक्ट कर दी, ताकि जब भी एप्लीकेशन रन हो तो आप लोगों की ये कनेक्शन जो है बिल्ड हो जाए। अब आप लोगों को क्या करना है, माइग्रेशन करना है। तो इसके लिए टूल्स में जाइए, पैकेज मैनेजर कंसोल आप लोग ओपन करें और वहां पर लिखें एड डैश माइग्रेशन, और माइग्रेशन का नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा INIT init यानी इनिशियलाइजेशन। अब आप लोग डाटाबेस को अपडेट कर दीजिए, तो आप लोग लिखेंगे अपडेट डाटाबेस, अपडेट डैश डाटाबेस। जैसे ही आप लोग लिखेंगे क्वेरीज बहुत सारी होंगी, मेरे पास कुछ नहीं होंगी क्योंकि मैंने पहले माइग्रेशन कर रखा था, इसीलिए बिल्ड सक्सीड आ जाएगा और मेरी टेबल जो है यहाँ पर बन चुकी होगी। आप लोगों के टेबल्स के जो कमांड है वो चलेंगे, कोई बात नहीं है, वो चलने ही चाहिए और टेबल बननी ही चाहिए। तो यहाँ पर जो टेबल्स हैं वो जो है वो बन चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। जस्ट अपने टूल्स में जाइए, वहाँ पर डाटाबेस कनेक्ट कीजिए और अपना डाटाबेस चेक कीजिए कि अपने माइग्रेशन जो है वो सक्सेसफुली कर दिखाया है या नहीं। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का ये जो फिफ्थ वीडियो ट्यूटोरियल है ASP.NET कोर का, उसमें आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को कैसे मॉडल से डाटाबेस बनाना है, कैसे माइग्रेशन करना है, कैसे आप लोगों को कॉन्टैक्ट जो है वो तैयार करना है, ये बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों ने फिफ्थ वीडियो ट्यूटोरियल में सीखी हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि अपने दोस्तों को भी बताया जा सके। मैं इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को हर वो टेक्नोलॉजी सिखाने की बेहद प्रयास करूँगा जितनी मेरे से हो सकेगी। तो ये कोर्सेज स्टूडेंट कोर्सेज और स्टूडेंट नाम से तीन टेबल इसमें बन चुकी हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर है टेबल का, कर्ड ऑपरेशन हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा प्रयास जो है वो विफल ना हो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जितने बेल आइकन प्रेस होंगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।